हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, रिसेंटली मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा 2022 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है और जो कि काफ़ी लोगों को ओवर प्राइस लगी है। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ ब्रेजा 2022 के बेस मॉडल यानी एलेक्साई वर्सेस टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच के एकॉम्प्लिस डीजल पैक से, जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट ब्रेजा एलेक्साई वेरियंट की बराबर ही है दोस्तों। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी खासी फीचर आपको देखने को मिलता है, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। वीडियो पे बने रहे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइस रेंज की। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यू ब्रेजा 2022 के एलेक्साई वेस वेरिएंट की प्राइसिंग की। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, इसकी प्राइस जाती है 7,99,000 एक्स रूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 8,97,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली। वहीं टाटा पंच 2022 एकॉम्प्लिस डीजल पैक की प्राइस जाती है 7,88,000 रुपीज एक्स रूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 8,85,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली। यानी कि टाटा पंच एकॉम्प्लिस डीजल पैक आपको 12,000 सस्ती पड़ने वाली है न्यू ब्रेजा 2022 के एलेक्साई बेस वेरिएंट से। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे डायमेंशंस की। और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, न्यू ब्रेजा 2022 के जो लेंथ है 3995 mm है, जो कि 168 mm ज्यादा है टाटा पंच के लेंथ से। विड्थ की अगर हम बात करें तो ब्रेजा का विड्थ है 1790 mm, जो कि 48 mm ज़्यादा है टाटा पंच के विड्थ से। और वहीं हाइट की अगर हम बात करें तो ब्रेजा 2022 का हाइट है 1685 mm, जो कि 70 mm ज़्यादा है टाटा पंच के हाइट से। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2500 mm है ब्रेजा 2022 का व्हील बेस, जो कि 55 mm ज़्यादा है टाटा पंच के व्हील बेस से। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm, जो कि 11 mm ज़्यादा है टाटा पंच की ग्राउंड क्लियरेंस से। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो ब्रेजा 2022 का बूट स्पेस है 328 लीटर, जो कि 38 लीटर कम है दोस्तों टाटा पंच के बूट स्पेसेस। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेजा 2022 का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर, जो कि 11 लीटर ज़्यादा है टाटा पंच के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से, क्योंकि टाटा पंच में प्रोवाइड किया गया है 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। यानी कि डायमेंशंस के मामले में ब्रेजा 2022 काफ़ी आगे निकल जाती है टाटा पंच से, लेकिन टाटा पंच में आपको ज़बरदस्त बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस के मामले में ब्रेजा 2022 को पीछे छोड़ देती है टाटा पंच। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, जिसके बिना गाड़ी अधूरी है दोस्तों। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, न्यू ब्रेजा 2022 में प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर फोर सिलेंडर के 15C ड्यूल जेट स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि 101 VSP की पावर 6000 RPM पे एंड 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पे। वहीं ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन। और कंपनी इसमें क्लेम करती है 19.89 kmpl की माइलेज। वहीं दूसरी ओर टाटा पंच में प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर रेबरट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि डायनोप्रो टेक्नोलॉजी से लैस है दोस्तों। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 84.48 bhp की पावर 6000 RPM पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 3300 RPM पे। वहीं ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5-speed मैनुअल एंड 5-speed EMD गियरबॉक्स का ऑप्शन। कंपनी क्लेम करती है 18.97 kmpl की माइलेज। यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन एंड पावर परफॉर्मेंस के मामले में न्यू ब्रेजा 2022 काफी आगे निकल जाती है टाटा पंच से। ये है दोस्तों ऑल न्यू ब्रेजा 2022 का बेस वेरिएंट यानी एलेक्साई। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूं। यहां पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है हेलोजन के साथ, और इसके साथ टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन,
और इसमें DRL नहीं मिलते हैं। नीचे फॉग लैम्प इसमें अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये क्रोम का पार्ट यहाँ पे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाया गया है। फ्रंट ग्रिल टोटली रीडिजाइन किया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो, क्रोम फिनिश दिया गया है, यहाँ पे डार्क सैटिन फिनिश दिया गया है। फ्रंट बम्पर गार्ड यहाँ पे ब्लैक कलर में, नंबर प्लेट की जगह फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको टॉप एंड ब्रेड में मिलता है। वहीं आपको एयर डैम ब्लैक कलर में दिया गया है, स्किड प्लेट ब्लैक कलर में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एकॉम्प्लिश डेजल वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल की। ये कुछ इस तरह रहने वाले हैं। फ्रंट प्रोफाइल से देखने पर काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव और रगेड फील होता है दोस्तों। और इसकी फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो इस वेरियंट में आपको मिलता है LED डे टाइम रनिंग लाइट और जस्ट इसके एडजस्टेंट टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। उसके नीचे ह्यूमैनिटी लाइन आपको दिया गया है क्रोम फिनिश में। हेडलैम्प यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प हेलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन। फॉग लैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। फ्रंट ग्रिल बहुत ही शानदार पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, टाटा नेक्सॉन से रिजेंबल करता हुआ। बीच में टाटा का लोगो, जस्ट इसके लेफ्ट साइड आपको दिया गया है ट्राई एरोसिव डिजाइन, जस्ट इसके पीछे आपको हॉर्न विजिबल होगा। फ्रंट बम्पर पे आपको ब्लैक क्लैडिंग दिया गया है, ट्राई एरोसिव डिजाइन आपको एयर डैम पे देखने को मिलेगा और स्किड प्लेट भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही मिलने। चलिए अब बात करते हैं ब्रेजा 2022 LXi वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चारों ओर ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। और इसके साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराए गए हैं। वहीं सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में टोर्जन बीम एक्चुअल दिया गया है। और इसके साथ ही इसके साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर और व्हील साइज है 215/60R16। कुछ इस तरह का आपको सिल्वर कलर का यहाँ पे कवर दिया गया है, व्हील कवर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हील आर्च, काफ़ी ब्रॉड क्लैडिंग यहाँ पे दिया गया है जो कि SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। और इसके साथ ही ORBM आपको यहाँ पे बॉडी कलर LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट वाइपर, रूफ लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूफ रेल अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप सन वाइजर देख पा रहे हो और जिसमें क्रोम फिनिश दिया गया है और विंडो के डाउन साइड आपको दिया गया है यहाँ पे क्रोम फिनिश जो कि एज एन एसेसरी का पार्ट है। साइड में डोर मोल्डिंग आपको दिया गया है क्रोम फिनिश में, ये भी एसेसरी का पार्ट है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है बेस वेरिएंट में जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ ही बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है जो कि इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को काफ़ी हद तक एनहांस कर रहे हैं दोस्तों। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़ा दिया गया है जो कि काफ़ी हद तक MG हेक्टर से रिजेंबल करता हुआ है आपको देखने को मिलता है। फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है जो कि इसके डिज़ाइन को और भी चार चांद लगा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एकॉम्प्लिश डेजल की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आप देख पा रहे हो डेजल पैक पर मिलते हैं 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील, व्हील साइज है 195/60R16। इसके अलावा ORBM आपको बॉडी कलर में ही LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। रेन सेंसिंग वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलता है आपको। और रूप पे ध्यान दे तो फ्रंट में आपको एंटीना प्रोवाइड किया गया है, ए पिलर बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को और भी एनहांस कर देते हैं। फ्रंट में ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में, रियर में टाटा अल्ट्रोस से इंस्पायर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है ग्रैब हैंडल। और इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रेजा 2022 LXi वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प LED में प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। सुजुकी का लोगो, बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट स्टैंडर्ड मिलता है सभी वेरिएंट में। ब्रेजा की ब्रांडिंग यहाँ पे दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे राइट साइड टेलगेट के नंबर प्लेट की जगह। और इसके साथ ही 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर ब्लैक स्किड प्लेट आपको प्रोवाइड किया गया है, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एकॉम्प्लिश डेजल की रियर प्रोफाइल की। प्रोफाइल में सबसे ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प प्रोवाइड किया गया है, LED टेल लैम्प यूनिट ट्राई एरोसिव डिजाइन में प्रोवाइड किया गया है जो कि नाइट के समय में बहुत ही अमेजिंग इसका लुक आता है दोस्तों। टेल गेट के बीचों बीच टाटा का लोगो, जस्ट उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, पंच की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
और रियर बम्पर ब्लैक कलर में दिया गया है, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग हाउसिंग में जस्ट उसके एडजेसेंट आपको मिलते हैं ट्राई एरोसेप डिज़ाइन, रियर बम्पर पर रिवर्स पार्किंग सेंसर दो ही दिए गए हैं और स्किड प्लेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं ब्रेजा एलएक्सआई वेरिएंट के इंटीरियर की। लेफ्ट साइड से चेकआउट कीजिएगा इसका इंटीरियर, यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम दिया गया है बेस वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह का। और ग्लोव बॉक्स आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, इस समय काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये है सोनी का 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि मिररलेस फंक्शन के साथ आता है, सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है, ड्राइव असिस्टेंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, एसी वेंट, हैजार्ड लैंप और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। जस्ट इसके नीचे 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, यूएसबी पोर्ट इसमें नहीं दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और 2 कप होल्डर, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक। इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। कुछ इस तरह का इसका सेंटर कंसोल रहने वाला है दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आप फैब्रिक अपोस्टी प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एज एन एसेसरी के तौर पे आप लेदर अपोस्टी इंस्टॉल करवा सकते हैं। 8,500 का खर्चा आ जाता है। इल्यूमिनेटेड इसका प्लेट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है फ्रंट सीट में और कैबिन लाइट यहाँ पर सेंटर में मिल जाता है जो कि आगे नहीं दिया गया है। डैशबोर्ड लेआउट पे आप वुडन फिनिश भी करवा सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पे। चलिए अब राइट साइड से भी चेकआउट करा देता हूँ और सेंटर लॉकिंग आपको दिया गया है, ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर को। और यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, कुछ इस तरह का टेक्चर दिया गया है, ब्लैक पार्ट दिया गया है और यहाँ पे ORVM के कंट्रोल दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वुडन फिनिश करवा सकते हैं आप इसमें। ट्विटर और स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। सिंगल टोन डैशबोर्ड लेआउट राइट साइड से भी चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी शानदार लग रहे हैं दोस्तों। लेदर अपोस्ट्री प्रोवाइड किया गया है एज एन एसेसरी के तौर पर। एक बार राइट साइड से भी चेकआउट कीजिएगा, कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड लेआउट, काफ़ी प्रीमियम। और यहाँ पे डेड पैडल दिया गया है, लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी मददगार साबित होता है। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन दिए गए हैं और हिल असिस्ट, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर का दिया गया है, कुछ इस तरह का बेस वेरिएंट में भी। चलिए दोस्तों अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। और सेंटर में जैसे कि मैंने बताया आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। 2 कप होल्डर, क्रोम फिनिश में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 वोल्ट का चार्जर और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एज एन एसेसरी के तौर पर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का। चेकआउट कीजिएगा राइट साइड से भी जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके एलेक्साई वेरियंट का। और स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें नहीं आता है, टॉप एंड वेरिएंट लेना पड़ेगा इसके लिए तो। और इसमें आपको कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है बेस वेरिएंट में। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, सेंटर में कोई भी कैबिन लाइट नहीं दिया गया है, ड्राइवर साइड भी नहीं दिया गया है, सेंटर में डे नाइट IRVM प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आपको रियर कैबिन कंफर्ट की बात कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं रियर डोर को और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल दिया गया है कुछ इस तरह का। और इसमें स्पीकर का प्रिविजन दिया गया है, आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, 1 लीटर का बोटल होल्डर और काफ़ी अच्छी खासी थाई सपोर्ट आपको रियर सीट्स में मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है यहाँ पे, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बेस वेरिएंट में भी आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है जो कि एक प्लस पॉइंट है, समर सीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखिए तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह का बेस वेरिएंट में, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। और एसी वेंट दोबारा चेकआउट कीजिएगा। चलिए आप बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को। और बूट स्पेस आपको पहले जैसे यानी 328 लीटर का दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं किया गया है और रियर सीट इसका फ्लैट फोल्ड हो जाता है, 60-40 का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का स्पेस और टूल किट दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ से भी आप इंटीरियर चेकआउट
कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। एक बेटर राइट साइड बूट लैंप का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। ग्रोसरी हुक जरूर दिया गया है। और स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात 16 इंच का स्पेयर व्हील यहाँ पे अवेलेबल कराया गया भी इस वेरिएंट में भी, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। एक बार चेकआउट दोबारा कीजिएगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। और इनर साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसे ग्रैब करके आप सेट कर सकते हैं बूट गेट को कुछ इस तरह दोस्तों। एलेक्साई वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अवेलेबल कराया गया है ड्यूल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट आईआरबीएम, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेप डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको LXi Brezza 2022 में अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों। चले दोस्तों अब बात करते हैं टाटा पंच एकॉम्प्लिस डैजल के इंटीरियर की। और आप देख पा रहे हो फ्रंट डोर पे कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, वेलकम फंक्शन। और यहाँ पे की अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं आपको डैजल AMT वेरिएंट दिखा रहा हूँ जिसका इंटीरियर सिमिलर रहने वाले हैं दोस्तों। डोर पे ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल, वॉल हीटर का पोर्ट होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर आपको मिलते हैं यहाँ पे, 4 ट्विटर भी दिया गया है। और इसका डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा ट्राइटोन में, बहुत ही अमेजिंग प्रीमियम। और इसके अलावा इंटीरियर में आपको देखने को मिलता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जिसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ट्राई रिसिप डिज़ाइन, फैब्रिक अपोस्ट्री पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और इसके अलावा हम सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर, और ये जैसे कि AMT वेरिएंट है। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल कराया गया है। स्टीयरिंग व्हील की ठीक राइट साइड फुल स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे इको मोड, सिटी मोड और हेडलैम्प लेवलर का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट डोर लेफ्ट साइड से चेकआउट कीजिएगा, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्राइटोन में डैशबोर्ड लेआउट, और AC विंट में आपको मिलते हैं गोल्ड इंसर्ट्स। और वाइट पार्ट पे आपको देखने को मिलता है ट्राई एरोसेफ डिज़ाइन, ग्लोब बॉक्स, इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लोब बॉक्स, और टैबलेट ट्रे भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके सेंटर कंसोल में आपको दिया गया है मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पे ट्रांसमिशन आप इग्नोर कर दीजिएगा। और इसके अलावा रियर में आपको टाटा अल्ट्रो से इंस्पायर्ड क्रैब हैंडल। और अंदर बैठते हैं और बात करते हैं लेग रूम हेड रूम की। लेग रूम आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे लेग रूम देखने को मिलता है। हेड रूम की बात करें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो एकॉम्प्लिस्ड वेरिएंट का यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी प्रीमियम। स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है फ्लैट बॉटम 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। और लेदर रैप्ड इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। एकॉम्प्लिस्ड वेरिएंट की तरह ही डैजल वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं एनालॉग स्पीडोमीटर, RPM मीटर, बीच में MID प्रोवाइड किया गया है। रियर कैबिन में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे लेग रूम। और फ्लैट फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगा, हम्प छोटा सा है जो कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं करने वाला है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो 366 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। और बूट में आपको लेफ्ट साइड बूट लैम्प प्रोवाइड किया गया है जो कि नाइट के समय में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। रियर सीट्स आपको 60-40 का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट में नहीं दिया गया है। स्पेयर व्हील जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है 15 इंच के टूल किट के साथ। और इसके अलावा टाटा के सभी गाड़ियों में आप आते हैं टायर पंक्चर किट जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। जबकि तो रिसेंटली टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रेस्टस में मिला है पूरे 5 स्टार की रेटिंग जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट मिनी SUV। इसके अलावा टाटा पंच एकॉम्प्लिस्ड डैजल पैक में आपको मिलता है ड्यूल एयरबैग, ABS विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRBM, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेप डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, टायर पंचर किट, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं।
ये थी दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन ब्रेजा एलेक्साई वर्सेस टाटा पंच डैजल पैक। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड्स कंपैरिजन एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।